स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्डमड करती हुई। बच्चों, अब स्वामीनाथन क्या है, वो अपनी कहानी सुनाने के लिए अधीर यानी उतावला या बेचैन रहता है कि दादी की कहानी कब ख़त्म हो और कब मैं उसको बोलूं। और दादी क्या कर रही है कि सभी घटनाओं को जो पुरानी बीती हुई है उसको मिला जुला करके गड्डमट करते हुए यानी बेमेल मिलावट या घालमेल यानी कि उसको इधर उधर करके सुनाते जा रही है। बस काफ़ी है दादी, उसने रुखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। बच्चों, अब जब काफ़ी राजम ने इंतज़ार कर लिया तो फिर उसने क्या कहा, बस काफ़ी है दादी, मतलब अब क्या करो, अब बस करो, अब मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और उसने रूखे स्वर में, रूखा यानी कठोर स्वर में बोला उसने, और उसने बताना चालू किया कि तुम्हें पता है कि राजम कितना पाता था, गणित में नंबर कितने मिलते थे? तब दादी ने पूछा कि पूरे नंबर मिलते होंगे। तब स्वामीनाथन बताता है, अरे नहीं दादी, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा या वक्त लेते थे। बच्चों, अब वो उसकी दादी भी बताना चालू करती कि चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए करके उनको स्वामीनाथन को प्रोत्साहित करती है। और वो फिर से क्या बताने लगती है, उसके दादाजी के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे दादाजी तो थे, वो परीक्षकों को चकित कर देते थे यानी विस्मित कर देते थे, आश्चर्यचकित कर देते थे, क्योंकि वो सभी सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। अब दादी अपनी पुरानी यादों को बातों को याद करते करते वह बताने लगती हैं कि वो इतने खुश हो जाते थे उनके अध्यापक दादाजी के कि उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उनको मिलता था। और जब उन्होंने एमए किया तो उनको क्या मिला, मेडल मिला, मेडल यानी पदक या तमगा। जैसे आप लोग भी किसी पार्टिसिपेंट करते हैं किसी कॉम्पिटिशन में तो आप लोग को मिलता है ना, वैसे ही उनके दादा को भी मेडल मिला था। फिर उसकी दादी बताती रहती है अपने स्वामीनाथन को कि मैंने कई सालों तक उसको गले में पहनी थी। फिर वो अच्छे से याद करते हुए बोलती हैं कि मैंने कब उसे उतारा, हाँ जब तुम्हारी उनकी बुआ पैदा हुई। फिर बोलती, नहीं नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता पैदा हुए थे। इस तरह से वो याद करते जाती हैं। बच्चों, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे, तब तक वीडियो को आप ध्यान से देखें व समझें। धन्यवाद।